अपने चैनल कुकविद आमना के साथ। सबसे पहले तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ अभी जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ लगा हुआ जो बेल आइकन है वो भी ज़रूर दबा दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का अपडेट आपको फ़ौरन मिल जाए। आज मैं बनाने जा रही हूँ रेस्टोरेंट स्टाइल फ्रेंच फ्राइज, जिनको आप बनाकर स्टोर कर सकते हैं 1 मंथ के लिए और जब आपका दिल चाहे इनको निकालें और फ्राई कर लें और इन्जॉय करें। तो बनाने का तरीका स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने लिए हैं नॉर्मल आलू जो मार्केट में मिलते हैं। सबसे पहले जो है इनका मैं छिलका उतारूंगी। कुछ लोग जो है वो मशीन से भी इसकी कटिंग कर लेते हैं, लेकिन मेरा यहाँ तक ख्याल है कि अगर आप इनको हाथ से कट करेंगे तो थोड़ा सा जो अनइवन कटिंग होगी उसकी वजह से टेस्ट ज़्यादा अच्छा आएगा, थोड़ा जो टेढ़ा मेढ़ा कटता है उसकी वजह से। दोस्तों यहाँ पर मैंने स्टार्ट की है अपने फ्रेंच फ्राइज़ की कटिंग करनी, जिस तरह नॉर्मली सब लोग फ्रेंच फ्राइज़ की कटिंग घर में करते हैं बिल्कुल उसी तरह से मैं यहाँ पर अपने तमाम आलूओं की जो कटिंग है फ्रेंच फ्राइज़ कटिंग वो कंप्लीट कर लूँगी। फ्रेंच फ्राइज़ की कटिंग कंप्लीट हो गई है और अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पर करने हमने ये 2 स्टेप, इन आलूओं को पानी में डालकर और अच्छे से मसलना है। 1 मिनट तक इसको अच्छी तरह से मसलना है। आप देखेंगे कि पानी थोड़ा थोड़ा गदला हो गया, इसमें जो एक्स्ट्रा स्टार्च है वो इस तरीके से इसमें से निकल जाएगी। इसको 1 मिनट तक मसल कर और इस पानी को देना है फेंक। फ्रेंड्स मैं आ गई हूँ आलूओं को तीसरी बार धोकर लेकर, और ये स्टेप्स बहुत ज़रूरी हैं, तीनों स्टेप्स करने ताकि जो एक्स्ट्रा स्टार्च है वो निकल जाए और आलू ब्राउन ना हो और हमारे जो फ्रेंच फ्राइज़ हैं वो बहुत ही जो है वो क्रिस्पी किस्म के बने। यहाँ पर मैं इसके अंदर शामिल करूँगी नमक 1 खाने का चम्मच और मैं इनको भिगो दूँगी, सोक कर दूँगी 10 मिनट के लिए। दोस्तों अब मैं करने लगी हूँ आलूओं को स्टीम। मैं आलूओं को नमक वाले पानी के साथ ही अपने कुकिंग पैन में डाल दूंगी और इनको मैं स्टीम करूंगी। यहाँ पे आप याद रखें कि मैंने आलूओं को बॉईल बिल्कुल भी नहीं करना, जस्ट स्टीम करना है। और यहाँ पे मैं पानी के अंदर उंगली डालकर देखती रहूँगी, जब तक कि पानी मेरी उंगली पर बर्दाश्त हो रहा है तब तक मैंने आलूओं को पकाना है। मैं इसमें फिंगर डाल के देख रही हूँ जी, अभी भी फिंगर डाल तो रही है लेकिन पानी गर्म होने की तरफ जा रहा है। दोस्तों अब ये टाइम आ गया है कि मज़ीद इसमें फिंगर नहीं डाली जा सकती। यहाँ पे मैं चूल्हे की आंच को बंद कर रही हूँ और मैं इसी कंडीशन में आलूओं को 15 मिनट तक पड़े रहने दूंगी। बेसिकली मैंने ये प्रोसीजर किया है आलूओं के अंदर पेक्टिन पैदा करने के लिए। जो रेस्टोरेंट्स वगैरह हैं वो तो फ्रेंच फ्राइज बनाते हुए एक्स्ट्रा पेक्टिन डालते हैं, लेकिन मैंने इस प्रोसेस के थ्रू ही यहाँ पे पेक्टिन को पैदा कर लिया है। पेक्टिन बेसिकली क्या करेगा कि एक तो आलूओं को ब्राउन नहीं होने देगा और दूसरा फ्लफी नहीं होने देगा, बड़े क्रिस्पी रहेंगे। बिल्कुल इसी कंडीशन में मैं छोड़ रही हूँ इनको 15 मिनट के लिए और मैंने यहाँ पे टाइमर ऑन कर दिया, अपने पास क्लॉक ऑन कर लिया। मिलते हैं 15 मिनट के बाद। 15 मिनट गुजर गए और इन आलूओं को मैं निकाल रही हूँ बाहर। और इन आलूओं को निकालने के बाद मैं इस देगची में लूंगी नया पानी और अगला स्टेप करूंगी फ्रेंच फ्राइज बनाने का। आप कहेंगे कि बहुत ही लंबा चौड़ा तरीका है, लेकिन ये है कि ये तरीके से आप बनाएंगे जब फ्रेंच फ्राइज तो आपके फ्रेंच फ्राइज बहुत ही परफेक्ट किस्म के बनेंगे। और दूसरा ये है कि आपको ये प्रोसेस एक ही बार करना है, आप बनाकर फ्रीज कर सकते हैं और इसको 1 महीने तक यूज कर सकते हैं। आलूओं को मैंने दूसरी बार उबलने के लिए रख दिया है। इस दफा मैं इनको सही से बॉईल करूंगी तकरीबन 6 से 7 मिनट, और इतना बॉईल करना है कि जब मैं एक आलू को पकड़ूं और बेंड करूं तो वो फौरन से टूट जाए। ये स्टेप करने का मेरा यहाँ पर ये मकसद है कि जो आलू हैं वो ऊपर से क्रंची और अंदर से इतने सॉफ्ट और नरम हो जाएंगे कि अंदर से बिल्कुल भी कच्चे नहीं रहेंगे। तो इनको उबलने देते हैं 6 से 7 मिनट तक, और दरमियान में जो है चम्मच ज़रूर हिलाना है क्योंकि हीट नीचे से आएगी तो जो नीचे वाले आलू हैं वो अच्छी तरह से गल जाएंगे और ऊपर वाले जो आलू हैं वो कच्चे रह जाएंगे। तो हमने दरमियान में चम्मच को हिलाते रहना है 6 से 7 मिनट तक, इनको सही तरह से बॉईल करना। तीन मिनट गुजर गए और मैं एक आलू को निकाल के चेक करती हूँ, नहीं अभी आलू कच्चा है।
इसको मैं मज़ीद 2 से 3 मिनट पकाऊंगी। आपने चम्मच लाजमी चलाना है ताकि नीचे वाले जो आलू हैं जो हीट हो चुके हैं वो ऊपर की तरफ आ जाएं और ऊपर वाले नीचे की तरफ चले जाएं ताकि सारे आलू इवनली बॉयल्ड हों। आपने यहाँ पर मैं बताती चलूँ, मैं भूल गई हूँ कि फ्लेम जो है वो हाई रखना है, लो या मीडियम फ्लेम के ऊपर इनको नहीं बॉयल करना, अदरवाइज ये बिल्कुल यहाँ पर टूट जाएंगे। मिलते हैं मज़ीद 2 मिनट के बाद। मैंने टेस्टिंग के लिए एक आलू को निकाला है और मैं इसको करने लगी हूँ बेंड, और देखिए ये टूट गया है। तो अब ये कि हमारे ये आलू तैयार हैं और मैं यहाँ पे फ्लेम को बंद कर रही हूँ और इन आलूओं को मैं 1 मिनट तक इसी तरह छोड़ दूंगी और 1 मिनट के बाद मैं इनको बाहर निकाल लूँगी। आलूओं को 1 मिनट तक छोड़ने के बाद अब इनको मैं निकाल रही हूँ और मैं इनको सुखाने लगी हूँ, या तो धूप में सुखाऊंगी या फिर पंखा चलाकर, जो भी ऑप्शन मुझे मिल गया उसके ज़रिए से मैंने इनको अच्छी तरह से सुखा लेना है। आलू को मैंने कपड़े के ऊपर बिछा लिए और इस कपड़े को मैं जा रही हूँ धूप में रखने के लिए। मैं देखती हूँ अगर बाहर अच्छी सी धूप है, अदरवाइज़ मैं इसको पंखे में सुखाऊंगी और पूरा 1 घंटा मुझे इसको सुखाना है। धूप चली गई थी इसलिए मैंने फ्रेंच फ्राइज को पंखे के नीचे सुखाया। आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छे से ये सूख गई हैं, कोई मॉइस्चर पानी वगैरह बिल्कुल भी नहीं है और अब ये तैयार हैं फ्राइंग के लिए और चलते हैं इनको फ्राई करते हैं। मेरा ऑयल जो है वो गर्म हो चुका है और मैंने करना है फ्रेंच फ्राइज को मीडियम फ्लेम के ऊपर फ्राई। मैंने इनको जब तक फ्राई करना है जब तक इसके ऊपर एक लेयर सी ना जम जाए। परत जो है वो सुखाने से बन गई है लेकिन अभी हमने इसको जमाना है। जमाने के लिए तकरीबन मुझे इसको 3 मिनट तक फ्राई करना पड़ेगा। आप देख सकते हैं कि फ्रेंच फ्राइज डाले हैं, डालते ही आलू जो है वो ब्राउन होने बिल्कुल भी नहीं स्टार्ट हुए। ये उसी वजह से हुआ जो इतना लंबा प्रोसेस अभी हम तय करके आए। 3 मिनट गुजर चुके हैं और परत तकरीबन बन गई है। आप अगर मैं इधर करीब करूं तो आप देख सकते हैं कि परत सी जम गई है, लेकिन मज़ीद 2 मिनट तक मैं इसको और पकाऊंगी। ठहरें, अभी हमारे फ्रेंच फ्राइज रेडी नहीं हुए, इसके बाद हमने इसको एक लास्ट जो है प्रोसेस उससे भी गुजारना है, तब जाके ये फुली फाइनली रेडी होंगे। 2 मिनट मज़ीद पकाने के बाद मैं आपसे मिलती हूँ। जी 2 मिनट गुजर गए हैं और अब इन फ्रेंच फ्राइज को जो कि पूरी तरह से नहीं तैयार हुए मैं निकाल रही हूँ और निकाल कर एक ट्रे में मैं इसको रखूँगी और मैं इनको करूंगी फ्रीज 1 घंटे के लिए, जिससे इसका जो फाइनल स्टेप है वो कंप्लीट हो जाएगा और ये इतने मज़े के और इतने ज़बरदस्त बनेंगे कि आप कह उठेंगे कि वाह अम्मा क्या रेसिपी बताई है आपने फ्रेंच फ्राइज की। तो इसको मैं फैला दूंगी ट्रे पर और इनको मैंने करना है फ्रीज 1 घंटे के लिए। इनको फ्रीज करने के बाद आप चाहें तो 1 साल तक एयर टाइट थैले के अंदर रख सकते हैं, लेकिन क्योंकि हमने तो अभी फ्राई करने अपने रोजे के लिए, इसलिए मैं 1 घंटे के बाद इनको निकालूंगी और अच्छे से करूंगी फ्राई। दोस्तों मेरे ये फ्रेंच फ्राइज फ्रीजर में पड़े हुए हैं जो कि मैंने रख दिए थे 1 से 2 घंटे के लिए और अब ये फ्राइंग के लिए बिल्कुल तैयार है और मैं इनको करने लगी हूँ फ्राई। यकीनन बहुत मजेदार बनेंगे। जी तो फ्रेंड्स, फ्रेंच फ्राइज आगे अपने लास्ट स्टेप की तरफ, फ्राइंग की तरफ। तेल जो है वो ज्यादा गर्म होना चाहिए और इसका टेम्परेचर अच्छा खासा होना चाहिए कि हम फ्रेंच फ्राइज डालें तो ये फौरन से ऊपर की तरफ आ जाएं। आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैंने ये ऑयल में डाले और इनमें से काफ़ी सारे जो फ्रेंच फ्राइज़ हैं वो ऊपर की तरफ आ गए हैं, क्योंकि हमने इनको ऑलरेडी हाफ कुक किया हुआ था इसलिए बहुत ज़्यादा टाइम यहाँ पर नहीं लेंगे। जस्ट 1 से 2 मिनट लगने हैं और फ्रेंच फ्राइज़ हो जाने हैं बिल्कुल तैयार। बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल फ्रेंच फ्राइज़ आज मैंने तैयार किए हैं अपने किचन में, जो कि बनेंगे बड़े ही क्रंची और क्रिस्पी किस्म के। आप लोग भी ज़रूर बनाएं और अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो रेसिपी को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दें और मेरे चैनल कुक विद आमना को सब्सक्राइब कर दें और साथ लगा हुआ जो बेल आइकन है उसको ज़रूर दबा दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का अपडेट आपको फ़ौरन से मिल जाए। फ्रेंच फ्राइज़ को आप सर्व कर सकते हैं किसी अच्छी सी सॉस के साथ या केचप के साथ सिंपली। अगली रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।